हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आगे के लेक्चर के अंदर। हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। सो एक्सरसाइज 3.2 के अंदर के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने देखा था और 6 के अंदर का फर्स्ट क्वेश्चन भी देखा था। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम लोग बेसिक कैलकुलेशन सीख रहे हैं रिलेटेड टू फैक्टोरियल नोटेशन, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये पूरा एक्सरसाइज जो है इसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या है और उससे रिलेटेड सारे कैलकुलेशंस, और फिर इस एक्सरसाइज के बाद में हमारा परमुटेशन स्टार्ट हो जाएगा कि एक्चुअली परमुटेशन किसको कहा जाता है और फिर उसके वो डिपेंडेंट सारी चीज़ें है ना। तो ये ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन को अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो पहला पार्ट जो है वो पहली 2 एक्सरसाइज में हम लोग डिवाइड करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट जो है वो परमुटेशन और उसका नेक्स्ट पार्ट है वो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। तो पहले हिस्से में क्या आता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आता है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन वाला, उसके ऊपर पहला एक्सरसाइज है। दूसरा जो एक्सरसाइज है दैट इज फैक्टोरियल नोटेशन, उसकी प्रॉपर्टीज। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे परम्यूटेशन के बारे में और फिर आएगा कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसीलिए पहला पार्ट जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग सारे बेसिक कैलकुलेशन इसके अंदर सीख जाते हो तो आपको आगे दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें एन का वैल्यू निकालना था बेटा, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, अभी हम सेकंड को सॉल्व करेंगे। सो सेकंड के अंदर हमारे पास है 15 - n factorial / 13 - n factorial = 2, ठीक है। अब आपको पता है कि क्या करना है, 15 - n factorial है तो इसको लिखते जाएंगे पीछे पीछे, है ना। नोटेशन का फैक्टर नोटेशन का जो मतलब होता है उसका यूज करेंगे। सो 15 - n, हम लोग क्या करते हैं, n फैक्टर को कैसे लिखते हैं, n (n-1) फिर n-2, ऐसे करते करते 1 तक जाते हैं ना, मल्टीप्लाई करते करते। तो सिमिलर वे से यहाँ पर 15 - n है तो 15 - n (n) इसके बाद का छोटा नंबर क्या होगा, इसमें से एक को सेपरेट करना है, इसमें से 1 सेपरेट करूँगा तो मुझे मिलेगा 14 - n, फिर भी मुझे ये नहीं मिल रहा, फिर एक नंबर पीछे जाऊंगा तो 13 - n, यहाँ पर मैं फैक्टर लिख सकता हूँ, प्रॉपर्टी फैक्टर नोटेशन की प्रॉपर्टी। तो नीचे है 13 - n फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, 12 - n, तो 13 - n 13 - n कैंसिल हो। अब आपके पास क्या है, 15 - n 14 - n विच इज इक्वल्स टू 12, तो 12 को आप लिख सकते हो बेटा 4 × 3। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाई आई हैव रिटन 12 एज अ 4 × 3, मैंने 12 के फैक्टर 2 लिए 4 × 3, लेकिन 4 × 3 क्यों लिया, मैंने 6 × 2 क्यों नहीं लिखा। तो यहाँ पर रीजन ये है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो 2 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और मुझे n का वैल्यू चाहिए, तो दिस इज इक्वल टू 12, तो मैं राइट हैंड साइड में भी अगर 12 को 2 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकूंगा, तो मैं इनको कंपेयर करके इक्वेट कर सकूंगा। अब कंपैरिजन में भी सीन ध्यान में रखना है कि 15 - n इज अ ग्रेटर नंबर एंड 14 - n इज अ लेस नंबर। अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो दिस इज अ लार्जर, दिस इज अ स्मॉलर। क्यों, क्योंकि n की जगह पर आप कोई भी एक नेचुरल नंबर रखिए, जैसे मान लीजिए मैं n की जगह पर 1 रखता हूँ, सो 15 - 1 = 14, और यहाँ पर 1 रखूंगा तो ये 13। तो आप n की जगह पर जो मर्जी नंबर रखेंगे तो ये नंबर हमेशा बड़ा रहेगा, ये छोटा। तो जब मैं इसको इक्वेट करूंगा राइट हैंड साइड के साथ में, सो मैं इसको इक्वेट करूंगा राइट हैंड साइड के बड़े नंबर से और इसको इक्वेट करूंगा राइट हैंड साइड के छोटे नंबर से। सो दिस इंप्लाइज ये मुझे देगा 15 - n = 4 and 14 - n = 3। सो इससे मुझे n का वैल्यू मिलेगा बेटा, आप दोनों में से किसी इक्वेशन से n का वैल्यू निकालो तो वो आपको मिल जाएगा 11, ठीक है। और यहाँ पर आपको n का वैल्यू, इससे भी आपको 11 ही मिलेगा। तो फाइनली हमारा टारगेट था, हमें n का वैल्यू निकालना था, जो हम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म, आप पॉज करके लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको बेसिक रैशनल नंबर का डिवीजन बता देता हूँ। जब भी आपको a/b = c/d दिया हुआ है, ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो एक रेशो a/b जिसको डिवाइड किया जा रहा है c/d से, तो ये रैशनल है, ये रैशनल है। तो रैशनल नंबर का डिवीजन हमेशा कैसे होता है, न्यूमरेटर में a/b है तो जो भी डिनोमिनेटर है वो उसको उल्टा होकर मल्टीप्लाई होता है, दैट इज d/c। समझ में आई बात, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिया हुआ है, थर्ड के अंदर
LHS में आपको दिया है n factorial divided by 3 factorial into n minus 3 factorial is 2 n factorial divided by 5 factorial into n minus 5 factorial and this is equals to 5 is to 3. ठीक है. सो अगर आप देखेंगे बेटा तो यहाँ पर आपके पास n factorial divided by 3 factorial into n minus 3 factorial है. तो ये जो is 2 होता है ये division होता है basically. तो division की जगह पर आएगा multiplication और ये उल्टा होके multiply होगा इसको. तो जो डिनोमिनेटर है वो बेसिकली न्यूमरेटर के अंदर चला जाएगा n माइनस 5 फैक्टोरियल और जो इसका न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा दैट इज n फैक्टोरियल एंड दिस इज इक्वल्स टू 5 बाय 3. ठीक है. चलिए आगे भी आगे बढ़ते हैं. n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल विल कैंसिल. 5 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 5 * 4 * 3 फैक्टोरियल. n माइनस 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं n माइनस 5 फिर इसको इसमें पीछे चले जाएंगे. अच्छा अब ये नंबर और ये नंबर यहां पर देखना है आपको. n माइनस 5 छोटा नंबर है और n माइनस 3 बड़ा है तो इसको फैक्ट इसको प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको पीछे लेके जाना है. जैसे मान लीजिए अगर आपके पास देखिए यहाँ पर क्या हुआ जैसे 5 फैक्टोरियल बड़ा था तो मैंने 5 को 4 इंटू 3 लिखा क्योंकि मुझे 3 फैक्टोरियल के साथ में कैंसिल करना है. तो हमेशा जो नंबर बड़ा होता है उसके लिए हम लोग पीछे पीछे चले जाते हैं उसको छोटा बनाते हैं मतलब इसके कंपेयर में वो कैंसिल हो जाए. तो न्यूमरेटर को मैंने लिखा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और n माइनस 5 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा. अब आपको समझ रहा है 3 फैक्टोरियल एज इट इज n माइनस 3 छोटा कैसे है तो बेटा समझना है आपको. क्या n की जगह पर कोई भी एक नंबर डाल के देखो जैसे 10 लिखा मैंने तो 10 माइनस 5 फैक्टोरियल क्या बनेगा 5 फैक्टोरियल और 10 माइनस 3 क्या बनेगा 7 फैक्टोरियल तो बड़ा को मैं 7 फैक्टोरियल. तो इसका मतलब है कि जब भी आपको ये चीज समझ में ना आए कि इनमें बड़ा और छोटा कौन है तो n की जगह पर ऐसी वैल्यू डाल के देखना. ऑब्वियसली नेचुरल नंबर इन दोनों से बड़ा डालेंगे. ठीक है. तो समझ में आ जाएगा आपको कौन बड़ा है कौन छोटा है. तो जो बड़ा है उसको कम करते जाना है मतलब उसको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है फैक्टर नोटेशन की. जैसे कि मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल तो ये कम कम होते जाएगा ना तो n माइनस 5 n माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा बचेगा 5 बाय 3 फिर ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ फिर ये 5 कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ पर बचा है 4 सो ये आपके पास बेसिकली बचा है 4 बाय n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाय 3. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4. अब इन दोनों में बड़ा और छोटा कौन है देखो ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर तो है कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर है अब इनमें से बड़ा और छोटा कौन है उस हिसाब से इक्वेट करना है. अगर ये गलती कर दी तो फिर आंसर गलत हो जाएगा. तो आप ध्यान में रखिए किसी भी नेचुरल नंबर में से अगर आप 3 को सबट्रैक्ट करेंगे और 4 को सबट्रैक्ट करेंगे उसी नेचुरल नंबर में से तो बड़ा कौन रहेगा. आप जिसमें से छोटा नंबर सबट्रैक्ट करो जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए n का वैल्यू 5 है तो 5 माइनस 3 क्या मिलेगा 2 और 5 माइनस 4 क्या मिलेगा 1 तो दोनों में बड़ा कौन हुआ ये वाला बड़ा हुआ. तो जब हम कंपेयर करेंगे तो n माइनस 3 को इक्वल करेंगे 4 से और n माइनस 4 को इक्वल करेंगे 3 से तो देयरफॉर हमें मिलेगा n माइनस 3 इक्वल टू 4 एंड n माइनस 4 इक्वल टू 3. n का वैल्यू क्या मिलेगा 7 यहाँ से निकालो या फिर n माइनस 4 का वैल्यू n इज इक्वल टू 3 n इज इक्वल टू 7. ठीक है बेटा. तो कुछ इस तरीके से n का वैल्यू आपको मिलता है. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. फोर्थ के अंदर अगर आप देखेंगे आप मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं फोर्थ के अंदर क्या दिस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवीजन निकाल के मल्टीप्लिकेशन किया मैंने और इसको उल्टा करके लिखूंगा दैट इज 5 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल एंड राइट हैंड साइड में मेरे पास है 1 बाय 6 तो बेटा n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल क्या आंसर 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 * 4 * 3 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 7 एन माइनस 3 कौन छोटा है कौन बड़ा है ये बड़ा है ये छोटा है तो इसको एज इट इज रखना है. ठीक है. और डिनोमिनेटर को आप लिखेंगे 3 फैक्टोरियल एन माइनस 3 इंटू एन माइनस 4 इंटू एन माइनस 5 इंटू एन माइनस 6 इंटू एन माइनस 7 फैक्टोरियल. ठीक है. दिस इज इक्वल टू 1 बाई 6 सो एन माइनस 7 विल गेट कैंसिल 3 फैक्टोरियल विल गेट कैंसिल. अब आपके पास क्या बचा है 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई दिस एन माइनस 3 एन माइनस 4 n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 इज इक्वल टू 1 बाय 6. ठीक है. तो आप 6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 6
इक्वल टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर एन माइनस फाइव एन माइनस सिक्स ठीक है। अब आप लोगों को लग रहा है यार इधर तो चार नंबर इधर तीन ही है तो सिक्स को आप लिख सकते हो थ्री इंटू टू सिक्स को लिखेंगे थ्री इंटू टू तो फाइव फोर थ्री इंटू टू मिल जाएगा एन माइनस थ्री एन माइनस फोर एन माइनस फाइव एंड एन माइनस सिक्स। अब इन सब में सबसे बड़ा गुण है ऑब्वियसली ये है फिर ये उसके बाद फिर उसके बाद उसके बाद तो इसी सीक्वेंस से आप इसको इक्वेट करेंगे। तो देखो सभी को आप इक्वेट करना हर किसी इक्वेशन से आपको एन का वैल्यू सेम ही मिलने वाला है। जैसे मैं अगर कंपेरिजन करता हूँ तो एन माइनस थ्री इक्वेट होगा फाइव के साथ में तो एन माइनस थ्री को फाइव के साथ में इक्वेट करूंगा तो एन का वैल्यू एट मिल रहा है ठीक है। अब फोर को इक्वेट करूंगा एन माइनस फोर से सो फोर इज इक्वल टू एन माइनस फोर तो एन का वैल्यू मिलेगा एट ही। फिर इसको मैंने इक्वेट किया इसके साथ में तो थ्री इज इक्वल टू एन माइनस फाइव तो एन का वैल्यू मिला मुझे एट। फिर मैंने इसको इक्वेट किया इसके साथ में टू इज इक्वल टू एन माइनस सिक्स तो भी मुझे एन का वैल्यू मिला एट ठीक है। तो इस तरीके से आपको एन का वैल्यू निकालना था तो आप कोई भी चीज़ किसी भी तरीके का कंपेरिजन कीजिए आपको एन का वैल्यू वही मिलने वाला है। सो ये था क्वेश्चन नंबर फोर का सोल्यूशन। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ ठीक है। तो आप पॉज करके लिख लेना मैं इसको हटा देता हूँ। सो फिफ्थ के अंदर क्या है बेटा फिफ्थ के अंदर टू एन फैक्टोरियल है याद रखना टू बाहर नहीं है ब्रैकेट के अंदर है डिवाइडेड बाय सेवन फैक्टोरियल है एंड टू एन माइनस सेवन फैक्टोरियल है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा फोर फैक्टोरियल एन माइनस फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल से विच इज इक्वल टू 24 बाय 1 समझ में आ रही बात। डिवीजन को हटा रहा हूँ मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन लेके उल्टा करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2n माइनस 1 2n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 4 इंटू 2n माइनस 5 इंटू 2n माइनस 6 इंटू 2n माइनस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 7 फैक्टोरियल। तो ये तो पहला टर्म ही हुआ इंटू दूसरा टर्म आएगा तो यहाँ पर लिखता हूँ इंटू ठीक है इंटू 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 एंड n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये n माइनस 4 इसके साथ में कैंसिल हुआ एंड दिस इज इक्वल टू 24 है। तो आपके पास क्या बचा है अभी आप अगर लिखेंगे इसको देखो ये न्यूमरेटर और ये न्यूमरेटर है बाबा ये तो बहुत ही भयानक हो गया। चले सबसे पहले इसको लिखता हूँ मैं 2n इंटू 2n माइनस 1 देखो इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा इंटू 2 टाइम्स n माइनस 1 फिर 2n माइनस 3 एज इट इज फिर इसमें से मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो मुझे मिलेगा n माइनस 2 फिर ये एज इट इज 2n माइनस 5 इंटू इसमें से 2 कॉमन निकालूंगा तो 2n माइनस 3 और ये 2n माइनस 7 फैक्टोरियल तो इसके साथ में कैंसिल हुआ है ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या बचा था 7 फैक्टोरियल इंटू इंटू मेरे पास है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 n माइनस 3। अब आप लोग इसको पॉज करके एक बार लिख लेना मैं क्या कर देता हूँ इधर के साइड पर हटा देता हूँ ताकि मेरे पास जगह बच जाएगी काफ़ी ज़्यादा ठीक है। तो मैंने ये तो लिखा ये मेरा फाइनल स्टेप है तो इसको मैं यही तो ऊपर फिर से लिखूंगा मुझे तो इनका वैल्यू निकालना है इससे मतलब है। तो अभी अगर मैं ये क्वेश्चन भी हटा देता हूँ तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो काफ़ी सारा स्पेस बन जाएगा मेरे पास। अभी मैं इसको लिखता हूँ ये क्या मिला था हमें मिला था 2 इंटू एन इंटू 2 एन माइनस 1 इंटू 2 एन माइनस 1 इंटू एन 2 एन माइनस 3 इंटू 2 एन माइनस 2 टू एन माइनस 5 2 इंटू एन माइनस 3 ठीक है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन इस वाले के न्यूमेरेटर के साथ में हुआ दैट इज 4 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय मेरे पास है 7 फैक्टोरियल इंटू दिस डिनोमिनेटर तो 7 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3। सो बेटा ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा सो आपके पास n माइनस 1 भी इसके साथ में कैंसिल हो सकता है n इसके साथ में कैंसिल होगा फिर n माइनस 2 इसके साथ में n माइनस 3 इसके साथ में तो बचा क्या आपके पास 2 इंटू 2 दैट इज 4 इंटू 2 इंटू 2 सो 2 का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 4 टाइम सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 टू 4 2 8 2 16
16 और ब्रैकेट 2n-1 फिर है 2n-3 एंड है 2n-5 एंड डिवाइडेड बाय है आपके पास 7 × 6 × 5 और इधर है आपके पास 24। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो 2 8 16 और 2 12 24, फिर 4 2 8 4 3 12 एंड 2 3 6। सो आपको मिलेगा 2n-1 2n-3 एंड 2n-5 इज इक्वल्स टू, ये 3 बचेगा और इधर का 7 × 3 × 5 इधर जाएगा। तो बेसिकली आप 7 × 3 × 3 = 9 × 7 × 5, तो ये ऑड नंबर्स है 2n-1 2n-1 इस तरीके से। अब देखना है कि इनके अंदर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है। तो अगर मैं n की जगह पर 10 रख देता हूँ तो 10 × 2 = 20 20 में से 1 चला गया 19, यहाँ पर 10 रखा 20 में से 3 चला गया 17 20 से 5 चला गया 15। सो दिस इज द लार्जेस्ट नंबर, सो दिस इज इक्वल टू 9। तो इससे हमें n का वैल्यू मिल सकता है। सो 2n-1 को मैं इक्वेट करूँगा 9 के साथ में, फिर मैं 2n-3 को इक्वेट कर सकता हूँ 7 के साथ में एंड 2n-5 को मैं इक्वेट कर सकता हूँ 5 के साथ में। अगर आपका आपका कंपैरिजन गलत है तो हर इक्वेशन से सही सेम वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आपका कंपैरिजन सही है तभी आपको वैल्यू सही मिल सकती है। सो 2n = 10 दैट इज n का वैल्यू आएगा 5, 3 को उधर भेज दिया तो 2n = 10 दैट इज n का वैल्यू आएगा 5, 5 को उधर भेज दिया तो 2n = 10 दैट इज n का वैल्यू आएगा 5। तो तीनों इक्वेशन से आपको n का वैल्यू सही मिला, दैट मींस यू हैव सॉल्वड इट करेक्टली। सो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5। सो यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म हो चुका है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो चुका है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। सो 6 यहाँ पर खत्म। आप लोग ये देखो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना है आपको, आगे फैक्टोरियल का ही काम है कैलकुलेशंस का, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। सो 7 में हमें प्रूव करना है, क्या शो करना है देखते हैं। सो सबसे पहले तो लिख लेते हैं क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन ऊपर ही लिख देता हूँ, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। सो दिस इज इक्वल्स टू ये हमें प्रूव करना है इन टू है, ये क्या है क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अच्छा आर फैक्टोरियल को ये मल्टीप्लाई ले लीजिए, ठीक है। सो हमें प्रूव करना है यहाँ पर एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, ओके। तो ये प्रूव करेंगे तो एलएचएस ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे, एलएचएस में एन फैक्टोरियल तो कॉमन निकल रहा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो लिख लेते हैं आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस आर फैक्टर को क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है आर माइनस 1, तो यहाँ पर एन माइनस आर है तो इसको लिखा जाएगा एन माइनस आर फैक्टर। देखो इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है ये बहुत मैटर करता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो एन फैक्टर ले, एन फैक्टर ले तो कॉमन निकले गए, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन r माइनस 1 फैक्टोरियल, देयरफॉर आपको इसको लिखना पड़ेगा प्रॉपर्टी का यूज करके। तो दोनों में से r माइनस 1 को कॉमन लिया जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पे n माइनस r फैक्टोरियल और इसके अंदर कौन बड़ा है, तो इसके अंदर ये वाला टर्म बड़ा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हमें फैक्टराइजेशन का प्रॉपर्टी यूज करके लिखना होगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज, इसको मैं लिखूंगा n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब आपका n फैक्टोरियल न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से क्या क्या कॉमन निकलेगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। सो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 बाय पहले टर्म के अंदर क्या बच रहा है आपके पास, पहले टर्म के अंदर सिर्फ r बचेगा प्लस 1 बाय दूसरे टर्म में क्या बच रहा है, n माइनस r प्लस 1 बच रहा है, ठीक है। अब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो n माइनस r प्लस 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय आर इंटू एन माइनस आर प्लस 1,
आर आर विल गेट कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास, न्यूमेटर में बचा एन फैक्टर इंटू एन प्लस वन, और डिनोमेटर में आपके पास है आर इंटू, पहले तो लिखेंगे इसको आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है। तो ये एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, मतलब आप इसको लिख सकते हो एन प्लस वन फैक्टोरियल, समझ में आ रही बात, एन प्लस वन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। उसी तरीके से आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, इस दोनों को आप लिख सकते हो आर फैक्टोरियल, क्योंकि आर फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, आर इंटू आर माइनस वन। सो मैंने इसको और इसके मल्टीप्लिकेशन को लिखा ये, और इसके मल्टीप्लिकेशन को क्या लिख सकते हो, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, क्योंकि एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर मिलेगा आपको। सो इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन को आपने ये लिखा, और इसके मल्टीप्लिकेशन आपने ये लिखा, और यही हमें प्रूव करना था अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा था ये, इसके अंदर हमारा लॉजिक डेवलप होता है कि कैसे फैक्टराइजेशन नोटेशन से रिलेटेड कैलकुलेशन किए जाए। तो बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, तो तब तक के लिए मैं पॉज कर देता हूँ। चलिए बेटा आगे देखेंगे क्वेश्चन को, 8, 9, 10 के कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, अभी हमें इनको सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 8 है जिसके अंदर हमें कुछ शो करना है। तो अगर पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, 9 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। तो हमें ये शो करना है, शो करने का मतलब क्या, कोई भी एक साइड ले लो, जैसे मैंने एलएचएस लिया, तो एलएचएस इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 9 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो आप लोग 9 फैक्टोरियल को कॉमन निकाल सकते हो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 बाय 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो बेटा अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर 4 फैक्टोरियल बड़ा है 3 फैक्टोरियल से, तो 4 को लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। सो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 3 फैक्टोरियल 6 को लिखेंगे इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल को लिखा जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो कॉमन क्या निकाला जाएगा, कॉमन दोनों से, दोनों के डिनोमिनेटर से कॉमन आएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 4, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 9 फैक्टोरियल, सो 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 6। सो 9 फैक्टोरियल इंटू ऊपर मिल रहा है 10, एंड डिवाइडेड बाय आपको मिल रहा है 6 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो बिल्कुल आप 10 इंटू 9 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 फैक्टोरियल। तो बात खत्म, लिख दिया हमने इसको ऐसे, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है बेटा, इसके अंदर काफ़ी दिमाग लगाना है आपको। सो 9th क्वेश्चन के लिए जगह खाली कर देते हैं हम लोग। 9th क्वेश्चन के अंदर भी हमें प्रूव करना है दिस, 2n होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 2 रेस टू n इंटू 2n-1 2n-3 5 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। अब इसको मुझे प्रूव करना है, कैसे प्रूव किया जा सकता है, तो सबसे पहले तो LHS लिया जाएगा, LHS इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। सो आप 2n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 2n into 2n-1 into 2n-2 into 2n-3, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, 4 into 3 into 1 तक, तो इसका काम हो गया, इसको हटाया जा सकता है, 4 into ...... 4 into 3 into 2 into 1 तक जा सकते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, n फैक्टोरियल है। तो अगर आप देखेंगे बेटा इसके अंदर जो प्रूव करना था हमें, उसके जो प्रूव करना है उसमें हमें 2n दिखाई दे रहा है, तो अगर मुझे 2n लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके अंदर आपको, आपने जो इसको लिखा है ये जिन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसके अंदर ऑड और इवन दोनों मिल रहे हैं आपको। देखो 2n तो इवन नंबर होता है, तो इवन में से इवन सब्ट्रैक्ट करें तो इवन ही मिलेगा,
और इवन में से ऑड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑड मिलेगा, तो इवन इनटू ऑड का कॉम्बिनेशन ही है मल्टीप्लिकेशन। तो आप क्या करेंगे, जितने भी इवन वाले हैं तो उसमें से टू अगर कॉमन ले लेते हो, देखो ये टू है आपके पास इनटू ये एन है इनटू इसमें से ये टू एन माइनस वन एज इज रहेगा, ठीक है। अब इसमें से आप टू को कॉमन निकालो तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा एन माइनस वन, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये 2n माइनस 3 एज इट इज रहेगा, और आगे अगर निकालेंगे तो 2 इंटू एन माइनस 2 मिलेगा। इसी तरीके से आगे आप मल्टीप्लिकेशन करो तो 4 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 एज इट इज रहेगा। फिर आप 2 को लिख सकते हो 2 इंटू 1 इंटू 1, तो डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो अगर आप देखेंगे तो 2 कितने बार मिल रहा है आपको, 2 मिल रहा है n टाइम्स, तो ये बन जाएगा 2 रेज टू n, ठीक है। और जो बचा है उसके अंदर n इंटू n माइनस 1, ये जो 2 कॉमन लिया था ना तो उसके अंदर क्या बचा है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, ऐसे करते करते 3 2 1 बचा है, समझ लो बात को। तो इससे आपको मिलेगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 1, ठीक है। और यहाँ पर कुछ बचा है, और क्या बचा है, 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 3, ये सारे ऑड नंबर बचे, 2n माइनस 5, ऐसे करते 3 इंटू 1 तक बचा है, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो बेटा ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये n फैक्टोरियल जो इसके साथ भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 रेस टू n इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 3 2n माइनस 5 अप टू डॉट 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 अप टू 3 इंटू 1, तो यही हमें प्रूव करना है, समझ आई बात। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन, इसको पॉज करके लिखेंगे आप लोग, वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी आसान क्वेश्चन है, किस लिहाज से, अब तक हम लोगों ने जैसे कैलकुलेशन किए उसके हिसाब से ये बहुत आसान है, क्योंकि इसको बस आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में इसको लिखा है, बस आप उसको सिंप्लीफाई कर दो, जो भी कैंसिलेशन हो सकते हैं वो करो और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखो। तो पहला अगर क्वेश्चन आप देखेंगे तो 2n प्लस 2 फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय 2n फैक्टोरियल, अब देखिए समझ में आता है कि ऊपर वाला नंबर बड़ा है, तो उसको प्रॉपर्टी यूज करके लिखेंगे तो 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय आपके पास है 2n फैक्टोरियल, ठीक है। सो ये 2n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल खत्म हुआ। अब इसका आगे क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, तो यही है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये, इसका आगे और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता। सिमिलर वैसे सेकेंड सॉल्व करेंगे, n प्लस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस 4 एंड एन प्लस 1 फैक्टोरियल। अब इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये बड़ा है, तो इसको फैक्टोरियल का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एन प्लस 3 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय आपके पास है, इसको आप लिख सकते हो एन माइनस 2 इंटू एन प्लस 2 और ये एन प्लस 1 फैक्टोरियल है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एन प्लस 2 एन प्लस 1 कैंसिल, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बचा है, एन प्लस 3 बाय एन माइनस 2। बस आपको इसको सिंपलेस्ट करके लिखना है, जितना आप कैलकुलेशन कर सकते हो करो और इसको सिंपलेस्ट करके लिखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, पहले दो क्वेश्चन में हटा देता हूँ। थर्ड के अंदर क्या दिया आपको, थर्ड के अंदर मेरे पास है 1 बाय n फैक्टोरियल माइनस 1 बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो बस सिंपलेस्ट कैसे लिखा जाएगा इसको ये सोचना है। तो अगर आप देखेंगे तो n फैक्टोरियल इज द ग्रेटेस्ट, n माइनस 1 उससे छोटा है, उससे ये छोटा है, तो आप जो सबसे बड़ा है उसको क्या ले सकते हो, कहाँ तक लेके जाना है, जो सबसे छोटा है वहाँ तक लेके जाना है ताकि एल से निकला जाए। तो n को n फैक्टर को लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर रुका देंगे, इसको आप बना सकते हो n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये तो एज इज रहेगा जो सबसे छोटा है। अब इन तीनों का आप एलसीएम ले सकते हो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर तो किसी चीज़ की जरूरत है नहीं, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस किससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर किसकी कमी है, सो एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टर ले, सो एन नहीं है तो एन से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एन माइनस टू फैक्टर है बाकी बच्चे दो से मल्टीप्लाई, सो एन इंटू एन माइनस वन। तो अगर आप ऊपर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका तो माइनस एन स्क्वायर और एन इंटू ये मिल जाएगा प्लस ए डिवाइडेड बाय एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टर, सो एन एन मिलकर कैंसिल, तो बचा गया वन माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टर। तो बेटा आप वन माइनस एन स्क्वायर को लिख सकते हो वन माइनस एन इंटू वन प्लस एन डिवाइडेड बाय आपके पास है एन इंटू एन माइनस वन इंटू
एन माइनस टू फैक्टोरियल। तो आप यहाँ पर डिनोमिनेटर से माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा वन प्लस एन डिवाइडेड बाय, तो ये वन प्लस एन, ये माइनस एन कन्वेंशनल साइन के हिसाब से नेगेटिव, जो डिनोमिनेटर है उसका नेगेटिव आपको न्यूमरेटर में देना पड़ता है, तो एन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल। ये आपका फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थर्ड, ठीक है। चलिए फोर्थ को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, पॉज करके लिखने जाना है आपको, ठीक है ना, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। फोर्थ को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले फोर्थ लिख लेता हूं मैं, एन इंटू एन फैक्टोरियल प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल प्लस एन स्क्वायर इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल प्लस एन प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा इसके बारे में सोचेंगे, तो सबसे पहले तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर के, तो इसको n फैक्टर को लिखा जा सकता है n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, n स्क्वायर है, ठीक है, n माइनस वन फैक्टर को ऐसे नहीं जरूर, प्लस इसको आप लिख सकते हैं n प्लस वन इंटू एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो तीनों टर्म के अंदर आपको n, सबसे पहले तो इसमें से n माइनस वन को कॉमन निकाल लेते हैं, n माइनस वन फैक्टर को कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर हो जाए n प्लस वन, ठीक है। यहाँ का n माइनस वन फैक्टर दोनों में से निकाल बाहर, यहाँ पर बचा n प्लस वन, तो ये पहला टर्म है बेसिकली, तो इस टर्म को मैं ऐसे लिख रहा हूँ प्लस, ये ऐसे चीज लिखो और इसको लिख लीजिए n इंटू एन प्लस वन एन माइनस वन फैक्टर। तो तीनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकाल बेटा, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टर कॉमन निकाल, तो बचेगा क्या n प्लस वन, और यहाँ का एक n बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा n प्लस वन बचेगा। तो बेसिकली आपके पास क्या है, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, n प्लस एन थ्री एन एंड वन प्लस वन टू, सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसके अंदर और क्वेश्चन है फाइव फोर तक हम लोगों ने सॉल्व किया था, बाकी बचे मैं लिखता हूँ फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, मैं पॉज करता हूँ तब तक। चलिए बेटा बाकी बचे क्वेश्चन उसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। सो एन प्लस टू एन फैक्टोरियल दिया है फिफ्थ के अंदर, एन प्लस टू बाई एन फैक्टोरियल माइनस थ्री एन प्लस वन बाय एन प्लस वन फैक्टोरियल, क्या करेंगे यहाँ पर इसके बारे में सोचना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सो ऊपर एन प्लस टू है डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल है, तो इसमें से एन फैक्टोरियल कॉमन निकाला जा सकता है, सो थ्री एन प्लस वन ऊपर है, तो इसको हम लिख सकते हैं एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, सो दोनों में से वन बाय एन फैक्टोरियल कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा एन प्लस टू माइनस थ्री एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको क्या मिलेगा, एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन माइनस थ्री एन प्लस वन, इसको ब्रैकेट देना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस है इंटू एन प्लस वन, ठीक है। सो ऊपर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बेटा, एन स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू एन बनेगा थ्री एन, एन प्लस टू माइनस थ्री एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, एन फैक्टर इंटू एन प्लस वन, सो ये ऊपर बनेगा, ये थ्री एन मिलेगा कैंसिल, सो एन स्क्वायर प्लस वन मिलेगा ऊपर, और नीचे आप इसको देख सकते हो एन प्लस वन का फैक्टोरियल, एन प्लस वन इंटू एन फैक्टर एन प्लस वन फैक्टर लिख सकते हो। तो ये है सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन नंबर फाइव का, ठीक है, पॉज करके लिखेंगे इसको, तो ऐसे ही आपको सभी का करना है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, करेंगे आगे। सिक्स नंबर के अंदर क्या दिया है, वन बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन माइनस एन बाय वन एन प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है। अब कैसे किया जाएगा, एन माइनस वन और एन प्लस वन में कौन छोटा है, एन प्लस वन छोटा है, बड़ा है, तो जो बड़ा है उसको लिखेंगे, सो एन माइनस वन फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं प्लस वन माइनस एन, इसको लिख सकते हैं एन प्लस वन इंटू एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, सही है ना, एन प्लस वन पहले लिखा फिर एक से कम हो गया एन, फिर एक से कम हो गया एन माइनस वन, तो वन बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल बाहर आ गया, तो पहले टर्म में बचा वन प्लस, यहाँ पर बचेगा वन माइनस एन डिवाइडेड बाई यहाँ पर आएगा एन इंटू एन प्लस वन, ठीक है। आप कैलकुलेशन किए जा सकते, दैट इज वन एन माइनस वन फैक्टोरियल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन इंटू एन प्लस वन,
प्लस वन माइनस एन डिवाइडेड बाय एन इंटू एन प्लस वन. सो एन इंटू एन प्लस वन और एन माइनस वन. ठीक है, तो इसको डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं हम लोग. चलिए ऊपर क्या होगा, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन माइनस एन डिवाइडेड बाय एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन फैक्टर. तो एन एन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एन स्क्वायर प्लस वन बचेगा. नीचे वाले को क्या लिख सकते हो, एन प्लस वन का फैक्टर लिख सकते हो. समझ आई बात, क्योंकि एन प्लस वन का फैक्टर क्या होता है, एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन फैक्टर. तो इसको उल्टा लिखा हमने. ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर सिक्स का सोल्यूशन. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन. सोल्यूशन मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर सेवन में हमें दिया है वन बाय एन फैक्टोरियल माइनस थ्री बाय एन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस एन स्क्वायर माइनस फोर बाय एन प्लस टू फैक्टोरियल. ठीक है, तो क्या करना है बेटा, सबसे बड़ा कौन है, एन प्लस टू है. सो वन बाय एन फैक्टोरियल माइनस थ्री बाय, इसको क्या लिखेंगे, एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल माइनस एन स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल. सो आप लोगों को क्या करना है, वन बाय एन फैक्टोरियल कॉमन निकालना है. तो पहले टर्म में बचेगा वन, दूसरे टर्म में बचेगा माइनस थ्री बाय एन प्लस वन, और यहाँ पर बचेगा एन स्क्वायर. इसको तो आप लिख सकते हो एन माइनस टू एन प्लस टू, सही है. और यहाँ का एन फैक्टोरियल बाहर आया है, तो एन प्लस टू ऊपर के एन प्लस टू के साथ में कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ऐसे. तो वन बाय एन फैक्टोरियल आपके पास है वन माइनस थ्री बाय एन प्लस वन माइनस एन माइनस टू बाय एन प्लस वन. तो डिनोमिनेटर एन प्लस वन बनाने के कॉमन, तो इसको एन प्लस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस थ्री माइनस एन माइनस टू डिवाइडेड बाय एन प्लस वन. ठीक है, सो ऊपर आपको मिलेगा एन प्लस वन माइनस थ्री माइनस एन प्लस टू डिवाइडेड बाय एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल. सो एन एन मिल गए कैंसिल, एंड ये टू प्लस वन थ्री, थ्री माइनस थ्री जीरो, तो ये तो जीरो आ रहा है. कुछ गलती कर दी क्या, देखना पड़ेगा आंसर, एक बार चेक कर लेना, शायद कुछ गलती हो गई. अच्छा ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन है. जीरो ही आता है इसका आंसर, टेक्स्ट बुक के अंदर गलत दिया आंसर, इसका आंसर जीरो ही आता है. ठीक है, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म आता है जीरो. चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके अंदर का, और फिर रुक जाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परमिटेशन पढ़ेंगे. ठीक है, जो असल कॉन्सेप्ट है, जो इस टॉपिक का नाम है, जो इस लेसन का नाम है. सो एट के अंदर हमारे पास है एन स्क्वायर माइनस नाइन बाय एन प्लस थ्री फैक्टोरियल प्लस सिक्स बाय एन प्लस टू फैक्टोरियल माइनस वन बाय एन प्लस वन फैक्टोरियल. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, एन प्लस थ्री है, तो इसी को लिखा जाएगा. तो ऊपर को तो हम लिख सकते हैं एन माइनस थ्री एन प्लस थ्री, कैसे, एन स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर लिख के, और इसको लिख सकते हैं एन प्लस थ्री इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन. सबसे छोटा जो है वहाँ तक जाना होता है ताकि उसको कॉमन निकल जाए. एन प्लस थ्री तो सस्ते में निपट गया, फिर एन प्लस टू को भी लिखना पड़ेगा एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल. ऐसा इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि सबसे छोटे को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं. सो इन तीनों में से कॉमन निकलेगा वन बाय एन प्लस वन फैक्टोरियल, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एन प्लस टू, तो एन प्लस वन फैक्टोरियल तो बाहर निकला है, प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय एन प्लस टू बचा यहाँ पर, और यहाँ पर बचा माइनस वन. तो वन बाय एन प्लस वन फैक्टोरियल है आपके पास में, तो एन माइनस थ्री प्लस सिक्स, डिनोमिनेटर कॉमन लिया एन प्लस टू, तो यहाँ पर एन प्लस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन माइनस टू बन जाएगा, डिनोमिनेटर में है एन प्लस टू, तो एन एन कैंसिल हुआ, और यहाँ पर बचेगा सिक्स माइनस फाइव इज वन, और डिवाइड बाय एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल. तो आप इसको फाइनली लिख सकते हो वन बाय एन प्लस टू फैक्टोरियल. ठीक है बेटा, तो इस तरीके से फैक्टोरियल नोटेशन यहाँ पर ख़त्म होता है. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फैक्टोरियल नोटेशन के अभी एग्जाम्पल्स में कैलकुलेशंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, वैसे इस वीडियो के अंदर टाइम थोड़ा सा बचा है, मैं और 10 मिनट ले सकता हूँ, लेकिन 10 मिनट में नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा. तो मिलते हैं फुर्सत में एकदम नए कॉन्सेप्ट के साथ में, दैट इज़ परमिटेशन का मतलब क्या होता है. बहुत इंटरेस्टिंग, अभी यहाँ से आगे बहुत इंटरेस्ट आने वाला है आपको, क्योंकि परमिटेशन और कॉम्बिनेशन
एक पजल के जैसे होता है ना, लॉजिकल रीजनिंग होता है, लॉजिक बहुत अप्लाई करना पड़ता है और मज़ा आता है लॉजिक अप्लाई करने में। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।